फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू, तो आपके साथ रेसिपी शूट करते हैं हम, और आप देख के बताइएगा कि कैसा बना है। पहली बार बनाने जा रहे हैं, तो अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको माफ करिएगा। चलिए रेसिपी। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं गोंद, और ये मखाना के अलावा, और ये कुछ काजू है और बादाम है, ये मूंगफली का दाना है, और यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके नारियल लिया हुआ है। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो सबसे पहले हम इसमें गोंद डाल के इसको भून लेते हैं। तो देखिए गोंद भून गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि इन सब का मॉइस्चर निकल जाए। इसके बाद हम भून लेंगे थोड़ा सा मखाना के अलावा। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं यही कद्दूकस किया हुआ नारियल, और थोड़ा सा भून लेते हैं इसको भी। इसके बाद हम थोड़ा सा बेसन लेके इसी में डाल के भून लेंगे। इन सब को एक साथ भुने हुए को हाथों से मसल करके ऐसे करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है, इसका पाउडर बना लिया है। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस में। अब यहाँ पे भुना हुआ बेसन डाल दिए हैं, और ये है हमारी पिसी हुई चीनी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया है, और हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए हमने बना लिया है, आप अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद। तो ये देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया रेसिपी, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू, बाय।